मंदिर के सामने गंदगी को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बिलारी में तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शेतपुर माधव उर्फ धनिया खेड़ा के ग्रामीणों ने मंदिर के सामने फैली गंदगी और संपर्क मार्ग पर पसरी धूल के विरोध में प्रदर्शन कर समस्या के समाधान की मांग उठाई। ग्रामीण सुरजन सिंह ने बताया कि गांव के बाहर संपर्क मार्ग के निकट ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसके सामने ओसिस प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री है, जिसके मालिक द्वारा मंदिर के सामने कूड़े के ढेर लगा दिए गए हैं। बताया कि उक्त समस्या की शिकायत पूर्व में पुलिस अधिकारियों से की गई, लेकिन समाधान नहीं हो सका। कहा कि आगामी नवरात्र से पूर्व समस्या का समाधान कराया जाए। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि गांव के संपर्क मार्ग के निकट कई ईंट के भट्टे हैं, जिस कारण संपर्क मार्ग पर धूल पसरी पड़ी है, निकलने वालों को समस्या होती है, जबकि दुर्घटनाएं भी बढ़ गई हैं। ग्रामीणों ने उक्त समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। प्रदर्शन करने वालों में हरद्वारी मदनपाल, याद कुमार, राजकुमार, मोहन, अजय, छत्रपाल, हीरालाल ब्रजवासी, राजा राम, विक्रम सिंह, अर्जुन सिंह, नन्नू सिंह, शिशुपाल, रामदास सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। ये कुछ भी नहीं है, ये हिंदू समाज का परिसर का मंदिर है। मंदिर के नजदीकी मात्र 10 मीटर की दूरी पे ये कचरा फैक्ट्री है, और जो फैक्ट्री मतलब बिल्कुल मंदिर परिसर के सामने जो गंदगी कर रखी है, ये बिल्कुल गलत है। ये गंदगी नहीं होनी चाहिए, और मैं ये चाहूँगा ये माता रानी के नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों के समय पे दुर्गा पूजा मतलब यहाँ पे होती है, सभी गांव की माता बहनें सभी सदस्य आते हैं यहाँ पे भक्ति के लिए, और ये गंदगी मंदिर परिसर के सामने शोभा नहीं देती। आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है बस, ये गंदगी मतलब परिसर मंदिर परिसर के सामने से ये गंदगी हटाई जाए, बस यही मांग है। समस्या ये है, कोतवाल भी धोरा गया, कोतवाल ने नहीं सुनी, ये कूड़े हटाने की है, हम लड़ाई नहीं कर रहे, कूड़ा हट जाए यहाँ से, मंदिर के आगे से कूड़ा हट जाए। नौ दुर्गा आ रही है, कूड़ा किसका है? इसका है मतीन का। अच्छा, आपने इसकी शिकायत की है? शिकायत करी कोतवाली साहब ने, उन्होंने शिकायत नहीं सुनी, कोई नहीं आया, कूड़ा हट जाए। अब आपकी क्या मांग है? ये कूड़ा हटना चाहिए, ये वाला नवरात्रि से पहले नवरात्रि आ रही है, इधर को जगह नहीं है, बाइक कहाँ बचाएगा दूसरी।